लगातार सुबह से ही अगर हम लोग बात करेंगे तो निशिकांत दुबे के ट्वीट से दीपिका पांडे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ नज़र आ रही हैं। आपको बता दें कि आपको पहले हम वो तस्वीर दिखाएंगे जहां पर निशिकांत दुबे ने जो ट्वीट किया है इसको लेकर के जो सदन के बाहर हंगामा चल रहा है और लगातार उनके ऊपर सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। सीधे सुनिए निशिकांत दुबे के ट्वीट को लेकर के कांग्रेस के विधायक दीपिका पांडे ने क्या कुछ कहा है। देखिए, निशिकांत जी का डिग्री तो सवाल के घेरे में है ही, साथ ही साथ उनका जो एफिडेविट है जो उन्होंने 2009 के चुनाव में दिया या 2014 के चुनाव में दिया या फिर 2019, ये जांच का विषय है। आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग उन एफिडेविट्स को पढ़ें जो उन्होंने 9 और 14 में दिया था, उसको बदलने का काम 2019 में किया है। फेक डिग्री के एलिगेशन में उनकी सदस्यता भले ना रद्द हो लेकिन उन्होंने गलत हलफनामा दिया है जो कि एक क्रिमिनल ऑफेंस है। इस पर सवाल करना कहाँ गलत है मुझे बताइए। सच जो है वो सामने जनता के आज नहीं कल आएगी और उनकी जो पुरुष मानसिकता है वो भी लोगों के सामने आएगी, जनता उसका जवाब देगी। भाई सच तो किसी भी, मुझे लगता है किसी भी भाजपा के नेता को पसंद नहीं आता अगर, और सवाल और वो भी एक सशक्त महिला के द्वारा तो और भी बुरा है। जब से NHAI के रोड का मामला मैंने उठाया तब से वो खासे चिढ़े हुए मुझसे नज़र आ रहे हैं, लेकिन मैंने अपने जनता के लिए उस कीचड़ में बैठने का काम किया था और आज वो सड़क बन भी रही है। तो अब इन बातों से अगर उन्हें बहुत तकलीफ़ हो रही है तो क्या कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने मेरा अपमान तो अलग बात है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने नगर वधु कह रहे हैं उनको वेश्या कहना चाहिए, छुपा के कुछ बोलने की क्या बात है, वो भी हमारे समाज के हिस्सा है। उन्होंने वेश्या बहनों का अपमान करने का भी काम किया, क्या उनकी डिग्निटी नहीं है? और आप उनका अगर सम्मान करते हैं तो क्या आप किस उन पर एहसान कर रहे हैं? तो ये मानसिकता उनकी गलत है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं कहना। सवाल ये है कि अडानी और अंबानी पर क्या JPSC गठित होगा कि नहीं पार्लियामेंट में, क्या राहुल जी को सवाल उनकी बातों उनसे जो सवाल किया गया हो उसका जवाब देने के लिए सदन पर में मौका दिया जाएगा कि नहीं, या फिर पार्लियामेंट के माइक हमेशा के लिए सबके लिए म्यूट हो जाएंगे, ये बातें। तो एक तरफ आपने निशिकांत दुबे के ट्वीट को देखा, अब हम आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर दीपिका पांडे ने भी ट्विटर पर उनका जवाब जो है वो पूरी तरीके से दिया है। यहां पर उन्होंने सवाल भी खड़े किए हैं कि नगर वधु क्या है, ये सीधा बताएं, क्या वो एक समाज को लेकर के बोल रहे हैं? अगर वो एक समाज को लेकर के बोल रहे हैं तो उन्हें शर्म आनी चाहिए, वो भी एक हमारे समाज का हिस्सा है, उन बहनों को इस तरीके से नहीं बोल सकते। और जिस तरीके से दीपिका पांडे ने अपने ट्वीट में लिखा है, मैं माँ हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं यहाँ पर बहन हूँ, और तमाम बातें इन्होंने यहाँ पर लिखी है इस तरीके के ट्वीट को लेकर, निशिकांत दुबे के ट्वीट को लेकर के। उन्होंने यह भी कहा कि वो काफ़ी समय से मुझसे नाराज़ चल रहे, इसलिए भी उन्होंने मुझे सोशल मीडिया पर ब्लॉक कर रखा है। तब तक के लिए बने रहिए रिपोर्टर पोस्ट के साथ, मैं पूजा, नमस्कार।